नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप आशा करता हूं आप स्वस्थ एवं प्रसन्नचित होंगे आज की इस इनकम टैक्स रिलेटेड अपडेट में मैं आपके सामने फ्यूचर एंड ऑप्शंस एंड रिलेटेड इनकम टैक्स प्रोविजंस पर एक संक्षिप्त चर्चा करने जा रहा हूं और ये पर्टिकुलर टॉपिक निश्चित रूप से उन व्यक्तियों के लिए इंपॉर्टेंट है जो शेयर मार्केट में एफ एंड ओ के ट्रांजेक्शंस करते हैं आज की वीडियो के दोस्तों मुख्य पॉइंट्स क्या हैं जिन पर मैं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का कोशिश करूंगा वेदर इनकम फ्रॉम एफ एंड एंडो ट्रांजेक्शन इनकम और कैपिटल गेन इनकम नंबर टू वेदर एफ एंड एंडो ट्रांजेक्शन स्पेक्यूटिव ट्रांजेक्शन और दे आर नॉर्मल बिजनेस ट्रांजेक्शन वेदर लॉसेज फ्रॉम एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर बिजनेस इनकम और अदर हेड्स इनकम ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर जिसका उत्तर हमें ढूंढना है हाउ टू कंप्यूट टर्न ओवर टैक्स ऑडिट पर्पजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ एफ एंडो ट्रांजेक्शन एफ एनडो ट्रांजेक्शन में हम टर्न ओवर की गणना कैसे करेंगे वट इज द टैक्स ऑडिट लिमिट फॉर एफ एनडो ट्रांजेक्शन एंड फाइनली वेदर देर इज अल टैक्स रेट फॉर एफ एंड ट्रांजेक्शन इन सारे प्रश्नों का उत्तर लेने के लिए जानने के लिए सर मैं आगे आपको लिए चलता हूं पहला प्रश्न है दोस्तों वेदर इनकम फ्रॉम एफ एंड ट्रांजेक्शन इज बिजनेस इनकम और कैपिटल गेन इनकम यहां मैं अपनी ओपिनियन रख रहा हूं सर आपके सामने मेरी ओपिनियन में एफ एंड के ट्रांजेक्शन बिजनेस इनकम की ओर ज्यादा माने जाने की संभावना है यानी इनकम फ्रॉम एफ ट्रांजैक्शन ओ ट्रांजेक्शन और लॉस फ्रॉम एफ ट्रांजैक्शन ओ ट्रांजेक्शन शुड बी ट्रीटेड टू बी प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन और लॉस लेकिन मैं इस बात से मना नहीं करता कि आप अगर चाहें कि नहीं सर मेरे इक्का दुक्का ट्रांजेक्शन है जिनको मैंने किया था तो क्यों ना मैं उसे कैपिटल गेन के रूप में दिखा दूं तो सर मैं मना नहीं करूंगा लेकिन ज्यादा संभावना यही है सर कि एफ के की की इनकम 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 को पीजीबीपी यानी बिजनेस माना जाए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों एफ एंडो ट्रांजेक्शन क्या स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन है क्या फॉर्चुनेटली सेक्शन फोर्टी थ्री क्लॉस फाइव ऑफ इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन जो स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन को डिफाइन करता है वहां पर सर कुछ एक्सेप्शन दिए गई हैं और उन परिस्थितियों में इनकम को स्पेकुलेटिव इनकम नहीं माना जाता बेसिकली सर स्पेकुलेटिव इनकम क्या है जहां पर डिलीवरी बेस्ड नहीं होता और निश्चित रूप से सर एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन में बिना शेयर के डिलीवरी के ही ट्रांजेक्शन होता है तो प्राइमा फेसा ये लगता है कि स्पेकुलेटिव इनकम होगी लेकिन फॉर्चुनेटली एज आई सेलियर फोर्टी थ्री क्लॉस फाइव के एक्सेप्शन में एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन को सर स्पेकुलेटिव ट्रांजेक्शन के डेफिनेशन से बाहर रखा गया है यानी एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन से हुई इनकम दोस्तों नॉर्मल इनकम है वो किसी भी प्रकार से स्पेक्युलेटिव इनकम नहीं है तो ये एक बेनिफिशियल पॉइंट है जिसका कि हम फायदा उठा सकते हैं क्योंकि एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन को सरकार स्पेक्युलेटिव इनकम नहीं मानती अब देखिए सर वेदर लॉसेज फ्रॉम एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट अदर बिजनेस और अदर हेड्स इनकम यानी मान लीजिए किसी व्यक्ति को एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन में लॉस हो गया सर और वो व्यक्ति चाहता है कि साहब भाटिया जी मेरे पास में दूसरे बिजनेस की इनकम है तो क्या मैं दूसरे बिजनेस या प्रोफेशन की इनकम से इन एफ एंड ओ से रिलेटेड को एडजस्ट कर सकता हूं आंसर इज यस क्यों क्योंकि उसे स्पेक्युलेटिव बिजनेस नहीं माना गया दोस्तों नॉर्मल बिजनेस माना गया है। एक बहुत महत्वपूर्ण डिफरेंस है सर स्पेक्युलेटिव बिजनेस के लॉसेस नॉर्मल बिजनेस से नहीं एडजस्ट होते लेकिन क्योंकि एफ एंड ओ बिजनेस के लॉसेस को सर

दूसरे हेड जिसमें हाउस प्रॉपर्टी कैपिटल गेन और अदर सोर्स शामिल है उनसे भी एडजस्ट कर सकते हैं इसमें कोई आपत्ति नहीं हाउ टू कंप्यूट टर्न ओवर फॉर टैक्स ऑडिट पर्पजेज इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्यूचर ट्रांजेक्शन मैं यहां पर सर केवल फ्यूचर ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूं और एक उदाहरण से आपके पास बात करता हूं कि कोई मिस्टर एक्स हैं जिन्होंने एक लॉट एच लिमिटेड का जिसमें 300 शेयर हैं 7 सितंबर 2020 को 1800 की रेट पर खरीदा और 25 सितंबर 2020 को सर उन्होंने 1850 की रेट पर बेचा फाइनली उन्हें पंद्रह सौ का बेनिफिट हो गया इसी प्रकार से उन्होंने लॉट का एक लॉट रुपए पर बेचा साढ़े पांच सौ शेयर का लॉट था सर 8 सितंबर को और उन्होंने फिर 26 सितंबर को ये लॉट 980 में खरीदा तो यहां उन्हें नुकसान हो गया साढ़े सोलह हजार का तो सिंपल सी कैलकुलेशन है सर पंद्रह हजार प्लस साढ़े सोलह वैसे तो उन्हें अल्टीमेटली लॉस हुआ है डेढ़ हजार का पर जब हम टर्नओवर कैलकुलेशन करेंगे सर तो एब्सोल्यूट टर्म में आप 15,000 और 16,500 को जोड़ दीजिए यानी टर्नओवर हो जाएगा इस एस एस का इकतीस तो आपको इस प्रकार से सर फ्यूचर मार्केट के ट्रांजेक्शन का टर्न का गणना करना चाहिए और एक और बात कि टर्नओवर की कंपिटिशन जो हमें करनी है सर वो पर ट्रेड वाइज करनी चाहिए यानी हर ट्रेड में, में मेरा टर्नओवर का गणना करके टोटल साल का एग्रीगेट टर्नओवर मेरा निकाला जाएगा और फिर ये डिसाइड होगा कि मुझ पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है अथवा नहीं हाउ टू कंप्यूट टर्न ओवर फॉर टैक्स ऑडिट परपजेज इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑप्शन ट्रांजेक्शन अनफॉर्चुनेटली दोस्तों इनकम टैक्स लॉ में और इनकम टैक्स रूल्स में कहीं पर भी टर्न ओवर की गणना कैसे करनी है वो भारत सरकार द्वारा स्पेसिफाइड नहीं है हावेवर फॉर्चुनेटली इंस्टीट्यूट ऑफ चार्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने अपने टैक्स ऑडिट के गाइडेंस नोट में ऑप्शन ट्रांजेक्शन पर और फ्यूचर ट्रांजेक्शन पर टर्न ओवर की गणना कैसे करनी है उस पर अपनी राय व्यक्त करी है तो यहां सर जो टर्नओवर ऑफ ऑप्शन ट्रांजैक्शन की गणना करनी है सी इंस्टीट्यूट के कहता है कि आप तीन चीजों को जोड़ करके ऑप्शन ट्रांजैक्शन में टर्नओवर की गणना करिए पहला विद टोटल ऑफ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल डिफरेंसेस जैसा मैंने फ्यूचर में डील किया अगर आपने कोई ऑप्शन सेल किया है यानी कॉल सेल करी या पुट सेल करी और कोई प्रीमियम खाया है तो वो प्रीमियम को जोड़िए एंड वेयर अ रिवर्स ट्रेड इज एंटर्ड देन द डिफरेंस देयर ऑन शुड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ टर्नओवर तो सी इंस्टीट्यूट की सर ये ओपिनियन हमारे लिए ऑप्शन टर्न की गणना में निश्चित रूप से बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ व्हाट इज द टैक्स ऑडिट लिमिट फॉर एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन क्योंकि सर टर्न की तीन तीन कैलकुलेशन हो सकती है टैक्स ऑडिट की एक करोड़ दो करोड़ पांच करोड़ मैं अपनी राय आपके सामने रखता हूं सर कि बाय डिफॉल्ट टैक्स ऑडिट की लिमिट तो एक करोड़ प्लस है यानी आपका टर्नओवर जैसे ही एक करोड़ प्लस हो गया सर आपको टैक्स ऑडिट करानी है फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजेक्शन के टर्न की परिस्थिति में लेकिन सर जो नई व्यवस्था भारत सरकार ने वित्त वर्ष उन्नीस बीस यानी असेसमेंट ईयर बीस इक्कीस के लिए की है जिसमें यह कहा गया है कि अगर आपके टोटल रिसीट में पांच परसेंट से ज्यादा कैश रिसीट नहीं है इसी प्रकार टोटल पेमेंट्स में पांच परसेंट से ज्यादा कैश खर्चे नहीं तो आपको <coughs> टैक्स ऑडिट पांच करोड़ तक के टर्नओवर पर भी कराने की आवश्यकता नहीं है यानी क्योंकि तो पांच करोड़ तक का भी एफ एनडो टर्न ओवर यदि आपका है तो आपको टैक्स ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं है यदि इसके बियॉन्ड है या आप पांच परसेंट वाली शर्त पूरी नहीं कर पा रहे तो ऐसी परिस्थिति में एक करोड़ के बियॉन्ड यदि आपका टर्नओवर है तो आपको एफ एंड ट्रांजेक्शन के लिए एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से टैक्स ऑडिट करानी चाहिए आप इंडिविजुअल या एच एफ है सर तो आपको एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन की इनकम पर स्लैब रेट से टैक्स देना होगा यदि आप एक फर्म है तो आपको 30 परसेंट रेट से टैक्स देना होगा यदि आप कंपनी है तो आपको 22 परसेंट पच्चीस परसेंट तीस परसेंट

एफ एंड ट्रांजेक्शन आपका ऐसा बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है जिसको आप फोर्टी फोर ए में कवर कर सके हालांकि जब आप गूगल पर ढूंढेंगे तो आपको ऐसी ओपिनियन भी मिलेंगी जिसमें कहा गया है कि फोर्टी फोर ए की इनकम मानी जा सकती है मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है सर एफ एंडो ट्रांजेक्शन से हुई इनकम आपको रियल पी एंड एल के रूप में उपलब्ध होती है स्टॉक ब्रोकर से तो फिर सर कहां पर फोर्टी फोर ए के स्कोप की बात है यहां फोर्टी फोर ए में इनकम की गणना नहीं होनी चाहिए दूसरा प्रश्न क्या बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन के लिए रखने हैं क्या तो बाय डिफॉल्ट आंसर है सर यदि ढाई लाख से ऊपर की टोटल इनकम आप ऑफर कर रहे हैं रिलेवेंट फाइनेंशियल ईयर में तो आपको बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट रखने की आवश्यकता रहती है सेक्शन फोर्टी फोर डबल एफ इनकम टैक्स एक्ट में लेकिन सर क्योंकि एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन में पी एंड एल और मेरे ट्रेडिंग के डिटेल्स सारे मुझे ब्रोकर उपलब्ध करा देगा तो मैं उन्हीं को सर बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट मानता हूं इसके साथ साथ मेरा जो बैंक स्टेटमेंट है वो बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट का पार्ट बनेगा क्योंकि मुझे बैंक स्टेटमेंट में ये दिखाना है कि मैं एफ एंड ओ में जो भी प्रॉफिट कमाया उसके लिए मैंने इन्वेस्टमेंट कहां से किया तो वो मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट डॉक्यूमेंट के रूप में तैयार रहना चाहिए तीसरा प्रश्न कैन वी क्लेम एक्सपेंसेज अगेंस्ट एफ एंड ओ इनकम बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है सर ये मेरा ही मानना है सर आप बकायदा एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन का एक पी एंड एल बना सकते हैं उस पी एंड एल में आप प्रॉफिट या लॉस जो भी अल्टीमेटली हुआ है वो लिखें मान लीजिए एफ एंड ओ ट्रांजेक्शन करने के लिए आपने पैसा उधार लिया उसका कोई इंटरेस्ट दिया तो मैं मानता हूँ सर इंटरेस्ट आप क्लेम करें कोई ब्रोकरेज दी आप ब्रोकरेज क्लेम करें किसी प्रकार से किसी एम्प्लॉई को रखा इन ट्रांजेक्शन को करने के लिए और उसको सैलरी दी आप उसका भी डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरी ओपिनियन में मुझे महत्वपूर्ण लगे जो मैंने आपके सामने यहाँ पर रखे यद्यपि दोस्तों एफ एन ट्रांजेक्शन पर मेरी एक पहले से वीडियो मेरे चैनल पर अपडेटेड है लेकिन वो कुछ समय पुरानी हो गई और मुझे लोगों से फीडबैक मिला कि भाटिया जी नए फॉर्मेट पर आप कुछ और बढ़िया प्रेजेंटेशन एफ एंड ओ पर करिए तो आज की ये वीडियो सर उसी प्रकार का एक प्रयास था जिसके थ्रू मैंने आपके सामने अपनी बात रखने की कोशिश करी एफ एंड ओ पर आई होप ये वीडियो आपके कुछ डाउट्स क्लियर करने में हेल्पफुल रहेगी आपके फिर भी कोई क्वेश्चन हो कोई सजेशन हो कोई फीडबैक हो आप मुझे देने के लिए मोस्ट वेलकम है सर मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद